अमित शाह के बिहार जनसंवाद में महमदपुर के लोगों ने लिया भाग। रविवार को भाजपा चुनाव सेल संयोजक राजकुमार जी के नेतृत्व में बिहार जनसंवाद के में महमदपुर के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लिया भाग। आइए हम आपको दिखाते हैं नीरज सिन्हा की ग्राउंड रिपोर्ट। राजकुमार जी ने अमित शाह को बिहार संवाद में उनको बहुत शुभकामनाएं दी और उन्होंने बताया कि अमित शाह ने कहा कि इंदिरा तो अब नहीं है पर गरीबी अब भी है। उन्होंने बताया कि ये सियासी रैली नहीं है, ये जनसंपर्क संवाद है जो शाह बिहार के लोगों के सामने अपनी बात रखी है। राजकुमार जी ने शाह के 5 अहम बातें बताई जो शाह ने अपने वर्चुअल रैली में कहा है। करोड़ों कोरोना वॉरियर्स को समर्पण और सेवा के लिए धन्यवाद दिया। बिहार की जनता को भी जनादेश के लिए धन्यवाद दिया। बिहार से ही दुनिया को पहली बार लोकतंत्र का अनुभव हुआ। शाह जी ने आज हमें बिहार के नागरिक होने का गर्व महसूस कराया है। इस वर्चुअल रैली के जरिए उन्होंने देशवासियों से संपर्क करने का जरिया दिया है। ये राजनीतिक दल का गुणगान गाने के लिए या चुनाव के लिए नहीं है, देश की जनता को कोरोना से लड़ने और उनका हौसला दृढ़ बनाने के लिए है। राजकुमार जी ने अमित शाह को जनसंवाद के लिए शुक्रिया किया और कहा हम भाजपा के साथ हमेशा से खड़े थे और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। इस जनसंवाद में भाजपा जिला चुनाव सेल संयोजक राजकुमार, बलराम कुमार सिन्हा, रोहित अभिषेक, प्रवीण कुमार सिन्हा, ब्रजमोहन प्रसाद सिन्हा, नवीन कुमार, अंकित सिन्हा, अर्जित सिन्हा, प्रतीक, प्रभात कुमार, संजीव कुमार, तमाम लोग मौजूद थे। महमदपुर बेगूसराय से कैमरामैन रोहन वर्मा के साथ नीति सिन्हा की रिपोर्ट, TNCT लाइव न्यूज। और भारत का बच्चा